बारी आती है हमें कॉलम को मैश करने का, ठीक है। मैश मतलब क्रिएट, मैश मतलब क्या होता है, मैश को हम अगर हिंदी में ही जाने तो होता है जाली बनाना। तो जाली हमारा क्या होता है, एक स्क्वायर के फॉर्म में होता है, नॉर्मल नेट अगर लें तो वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है। उसको अगर 3D में लें तो हमारा एक एक स्क्वायर क्या होगा, क्यूब के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ हम इसके साथ करने वाले हैं कि जो ये पूरा कॉलम है, जो हमारा बीम है, उसको हम क्या करने वाले हैं, ब्रिक के रूप में तोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैश चूज़ करने के बाद हमने मॉडल चूज़ किया, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट आता है कि किस तरह से मैश करना है, असेंबली के रूप में या पार्ट के रूप में, ठीक है। तो असेंबली में जनरली कोई भी मैशिंग नहीं होता है, ठीक है। असेंबली में मैशिंग तब होता है जब हमारा दोनों एक जैसा पार्ट हो और तब असेंबल हो। यहाँ पे हमारा सपोर्ट अलग तरह का है और ये अलग तरह का है, ठीक है। रिजिड पार्ट कभी मैश नहीं होता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पार्ट्स में जाना है। पार्ट्स में क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ ऑप्शन आएगा कि कौन सा, रेनफोर्समेंट, सपोर्ट या बीम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बीम को मैश करना है। तो हम अभी हमें यहाँ पे देखिए, सबसे पहला होगा सीड पार्ट, ठीक है। दूसरा होगा सीड एज, तीसरा हो गया मैश पार्ट और मैश कंट्रोल, एंड एक ये होता है असाइन एलिमेंट टाइप, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सीड साइज, एलिमेंट और फिर मैशिंग, ठीक है। अब ये सीड साइज़ क्या होता है, अगर सीड पार्ट में जाएंगे तो पूरे पार्ट में क्या होगा कि हर एक एज पे इक्वल डिस्टेंस पे क्या होगा, जो भी हम डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे 150 है, याद रखें जितना छोटा मैशिंग उतना एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है। तो अभी हम 150 लेते हैं, जनरली हम अभी क्या करने वाले हैं, 50 करके इसको एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये जनरल एनालिसिस है तो हमको एकदम एक्यूरेट जाने का ज़रूरत नहीं है। तो हम 150 कर दें, तो अब आपको क्या दिखेगा कि सॉरी मैं से यहाँ से हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डॉट दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है कि हर एक 150 mm पे हमें एक डॉट क्रिएट हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 50 करते हैं, ठीक है, एंड देन अप्लाई करते हैं, तो क्या हुआ, हर 50 mm पे हमें एक डॉट क्रिएट हो गया। मतलब अब सिंपल है, यहाँ 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 डॉट क्रिएट है, यहाँ यहाँ डॉट क्रिएट है। अब स्ट्रेस लाइन खींच देना है, वो मिल जाएगा जहाँ जहाँ बॉक्स कट होगा, तो वो एक क्यूब बनता जाएगा, है ना। तो वही चीज़ होता है मैशिंग के लिए। तो यानी जितना छोटा, अगर हम 5 mm करते हैं तो क्या होगा, हर 5 mm पे एक एक वो हो गया, मोर एक्यूरेट, ठीक है, लेकिन मोर टाइम लेगा। तो हम इसको 50 रहने देते हैं क्योंकि हमें उतना अभी डिटेल में एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, देन ओके। दूसरा हमें क्या करना है, एलिमेंट टाइप, ठीक है। तो हमें बोलेगा सेलेक्ट रीजन चूज़ करने, रीजन चूज़ किया हमने एंड डन किया, और चूज़ नहीं हो गया, सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ डन किया। डन करने के बाद हमें ये एक तरह का एलिमेंट टाइप का एक ट्री खुलता है कि हमें क्या करना है, हमारा स्टैंडर्ड है या एक्सप्लिसिट मॉडल है, डजेंट डिपेंड, हम स्टैंडर्ड ही लेके चलते हैं। हम जनरली डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इतना जाते भी नहीं, क्वाड्रेटिक या ट्राइहेड्रल कौन से मेथड से करना है, ये मेथड है जनरली। और इसमें हम लीनियर ज्योमेट्री है या क्वाड्रेटिक है, तो हम लीनियर ही रखते हैं जनरली, इसमें हम ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अप्लाई हो गया, इसको सेलेक्ट किया एंड डन किया, ये अप्लाई हो गया, ठीक है, एंड ओके, ठीक। अब दूसरा कोई रीज़न नहीं है, एंड देन हमें क्या करना है, इस पे मैश पार्ट, एंड यहाँ पे वो पूछेगा डू यू वांट टू मैश, एंड यस यस करते हैं। क्या हुआ कि हमने क्या दिया था, 50, तो हर 50 mm पे वो क्या हो गया, एक एक बॉक्स बन गया। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं ये कॉर्नर पीस देखूँ तो क्या ये क्यूब बन गया, यानी ये क्यूब, यू क्यूब, यू क्यूब, मतलब सारे क्यूब कनेक्ट करके ये एक बीम बन रहा है। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि हमारा एक एक चीज़ को मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, हर एक छोटे पार्ट का एनालिसिस करेगा और हमें कंबाइंड रिजल्ट देगा, ठीक है। दूसरा रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट इसमें करने का ज़रूरत है नहीं क्योंकि इसमें हमने रेनफोर्समेंट बनाया तो था लेकिन अप्लाई नहीं किया। नेक्स्ट आते हैं सपोर्ट पे, जब हम सपोर्ट पे सीट साइज देंगे 15 अप्लाई करके, ओके। बेसिकली सपोर्ट को करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि सपोर्ट का हम एनालिसिस तो कर नहीं रहे, फिर भी एरर ना आए उसके लिए हम सपोर्ट को करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मतलब नॉर्मल जो हमने बीम बनाया था उसका। अब ये दूसरा हम जो करेंगे रेनफोर्समेंट के साथ, तो अब हमसे ये सेम चीज़, सीड पार्ट हमने यहाँ 50 कर दिया, अप्लाई कर दिया,
सारे पार्ट 50-50 पे हो गए। ओके, अब जो ये सीड एज है इसका काम क्या आता है, फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है कि हमारा जो अभी तो क्या है कि स्क्वायर एकदम परफेक्ट है ना, अगर हम टॉप देखें तो हमें एक रेक्टेंगल मिलता है परफेक्ट, लेकिन अगर ट्रेपेजॉइडल शेप का होता है तो क्या होता कि ऊपर तो सिटिंग डिस्टेंस हमारा 50-50 ले लेते, नीचे 50 लेते, तो क्या होता कि साइड में हमारे जो ट्रायंगल्स बनते वो क्या होता बड़ा बड़ा बन जाता, ठीक है। तो हम क्या करते कि किसी एक साइड को, इन केस मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगुलर शेप का हो जाता, ठीक है, और तो इधर वाले जो साइड है, फॉर एग्जांपल अगर ये साइड है, तो इसको मैं चाहता हूँ क्या कि ये ज़्यादा सीट साइज़ कम रहता तो क्या होता मेरा ट्रायंगल जो है ना प्रॉपर शेप का होता। याद रखें जितना प्रॉपर शेप बनेगा मेश का उतना अच्छा एनालिसिस होता है, ठीक है। तो हम उसके लिए यहाँ पे हम चूज़ करते हैं एंड देन डन करते हैं। अब जैसे कि ये बाई साइज़ आया, ठीक है, यहाँ 50 था, अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है, एंड अप्लाई, तो क्या हो गया सिर्फ इस वाले एज पे जो एज सेलेक्ट किया था उस पर क्या होगा 10 10 10 10 mm का हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कब काम आएगा, ट्रायंगुलर हो गया या हमारा सर्कुलर हो गया, ठीक है, उसमें, एंड देन हमारा 50 पे रखना है, ठीक है, तो ये उसमें काम आता है। एंड देन हमारा ये अप्लाई करेंगे, ठीक है, याद रखें इस बार हमें क्या तीनों का अलग अलग सेलेक्ट करना होगा क्योंकि हमने पार्टीशन क्रिएट किया था, डन। और ये नॉर्मल इसमें हम ज़्यादा चेंज नहीं करते, ठीक है, एक्स में ही रहने देते हैं। ये हमें बताता है CD3 8R, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कॉलम 3D में है और 8 हमारा नोड है, ठीक है, आर मतलब रिड्यूस इंटीग्रेशन है, ये बस एक कोडिंग है, ठीक है, कि हम कौन सा टाइप का यूज़ कर रहे हैं हमारा मटेरियल, वो ये एबेकस खुद ही चूज़ कर लेते हैं हमें, अगर हमने इन केस अगर हम इसको अप्लाई नहीं भी करते हैं ना और डायरेक्ट मेस कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो मेशिंग होता और कोई एरर आता भी नहीं, ठीक है। दूसरा हम लेंगे रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट में भी सेम मेशिंग, और इसको भी हम 15 रख देते हैं, अप्लाई, ओके, एंड देन मेस कर दिया, यस yes. तो इसमें मैंने क्या किया, अभी अभी मैंने मटेरियल चूज़ नहीं किया तो वो खुद ही हो गया, ठीक है, उतना कोई इश्यू नहीं होता इसमें, ठीक है। स्ट्रेप चूज़ किया, इसमें भी हम मैंने ये ले करके अप्लाई किया, ये छोटा मटेरियल है तो इसमें क्या है ना कि वो खुद ही ले लेता है मैस साइज़ छोटा, अगर छोटा है, अब फॉर एग्जांपल ये 150 बाय 150 का है तो उसमें अगर मैं 50 देता हूँ तो तीन छोटा छोटा ये बड़ा बड़ा क्यूब बन जाएगा तो उससे मेरा एनालिसिस होगा नहीं, ठीक है। बेसिकली स्ट्रीटअप का हमको उतना करने का नहीं, हम तो कंक्रीट का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम सपोर्ट में जाते हैं, सपोर्ट सेलेक्ट करते हैं, उसको हम मैश करते हैं, अप्लाई, ठीक है, एंड देन सेव। तो बेसिकली इस तरह से हम मैशिंग का पूरा पार्ट करते हैं, हमारा एक एक पार्ट मैश हो गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिंपली हमें जाना है जॉब में, ठीक है, जॉब में जाके एक जॉब क्रिएट करना है एंड देन इसको रन कर देंगे तो हमारा एनालिसिस आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या होगा, जॉब रन करेंगे, उसका एनालिसिस लेंगे और रिजल्ट आएगा हमारा, ओके। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगला तुरंत आएगा और उसको भी आप देख करके समझ सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।